नमस्कार, आज हम इस समझते हैं इस वीडियो में कि सेल प्राइस क्या होती है, कास्ट प्राइस क्या होती है, उस पर प्रॉफिट और लॉस कैसे हम निकालते हैं, कैसे परसेंटेज में वैल्यू दिया हो तब कैसे निकालते हैं, नॉर्मल दिया हो तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में खरीदा गया हो कोई भी वस्तु। ठीक है, जितने में खरीदा गया हो उसे हम कास्ट प्राइस कहते हैं। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा गया उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि उन दोनों के बीच में जैसे डिफरेंस खरीदने में और बेचने में जब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाती है तो वहां पर या तो प्रॉफिट हो जाती है या लॉस हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी चीज खरीद लिए, जैसे कि हम कास्ट प्राइस मान लेते हैं, कोई भी चीज 50 में खरीद लिए और हम उसको या तो अधिक में बेच दिए या तो हमने कम में बेच दिया। ठीक है, अगर हमने उसको 60 में बेच दिया तो हम कहेंगे कि ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू हम कहेंगे तब हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। क्यों हो जाएगा एसपी माइनस सीपी? क्योंकि हमने क्या खरीद किया, क्या किया था, तो 50 में मैंने उसको कास्ट प्राइस किया था, मैंने उसको 50 में खरीदा था, लेकिन मैंने उसको बेचा कितने में, तो बेचा हमने 60 में, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर कास्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस होगी तो निश्चित रूप से क्या होगी, हमारी प्रॉफिट होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। हम यानी कि एसपी में से हमको सीपी में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर हो जाएगी हमारी प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमने 50 में मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदा, जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये हमने क्या किया, इसको मैंने सपोज टू मान लीजिए हमने 50 में खरीद लिया। ठीक है, और 50 में खरीदने के बजाय मैंने सपोज टू किसी वजह से मैंने इसको बेच दिया और इसको मैंने 40 में बेच दिया या फिर 35 में बेच दिया। ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने 40 में बेच दिया। ठीक, तो अगर मैंने इसको 40 में बेच दिया, ये है 40 रुपीज। ठीक है, तो हमने खरीदा कितने में, खरीदा तो 50 रुपीज में, लेकिन बेच दिया कितने में, बेच दिया हमने इसको 40 रुपए में, 40 रुपए बेच दिया, तो यहां पर हमारा हो गया लॉस। ठीक है, तो 50 देखिए ज्यादा है, अब 50 ज्यादा है तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा सीपी माइनस हो जाएगा एसपी, है ना, तो हो जाएगा लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला खूब अच्छे से याद करिएगा कि ये प्रॉफिट जो होता है, इसमें ज्यादा फार्मूला लेकिन लगाना नहीं होता, ज्यादातर कॉन्सेप्ट से लगता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी जब एसपी बड़ा हो, यानी कि बेचने वाली प्राइस अधिक में हो और खरीदने वाली प्राइस क्या हो, कम में हो। और लॉस तब लगता है जब खरीदने वाले कास्ट प्राइस ज्यादा हो बेचने वाली सेल प्राइस, मतलब कि सेल प्राइस हमारी को क्या हो जाए कि कम हो जाए, तो हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, इस बात को हम समझ लिए। अब हम समझते हैं कि इसमें हम एक प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो अच्छा बताइए, ये हमारा ओरिजिनल है कि ये हमारा ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल हमारा कौन होता है, ओरिजिनल हमारा होता है जिसपे हम कोई भी चीज खरीद लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो हमारा क्या है, यही हमारा सीपी ही ओरिजिनल होता है हर स्थिति में, क्योंकि सबसे पहले हम वस्तु को खरीदते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को हम सबसे पहले खरीदते हैं और खरीदने के बाद हम बेचते हैं। तो बेचना तो बाद की क्रिया हो गई, ठीक है, बाद का प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल हमारा कास्ट प्राइस होता है, तो ओरिजिनल हमारा क्या हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा हर स्थिति में, चाहे वो बेचने की अधिक की स्थिति में चाहे कम की स्थिति में। ठीक है, तो यानी अगर हमें निकालना हो कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ रहा हो तो हम कहेंगे कि कितना प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का मतलब होता है हम उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी एसपी और सीपी का, जब एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ। और अब कहां से होता है बताइए, सीपी से, सीपी क्योंकि हमेशा हर स्थिति में क्या होती है, ओरिजिनल होती है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये बात जानते हैं। ठीक है, तो हमारा 50 क्या हुआ, 50 हमारा प्रॉफिट हुआ, और कहाँ से हुआ, सीपी से हुआ, सीपी से ही ओरिजिनल होती है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी को हमें लॉस में निकालना हो, लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना लॉस हुआ, तो लॉस यही चीज है, यही चीज लॉस है, तो कितना लॉस हुआ और कितने, मतलब कहाँ से हुआ, ओरिजिनल क्या था, तो ओरिजिनल हमारा कितना था, 50 था, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी। इसका हमेशा क्या होता है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ही क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ओरिजिनल हमारी सीपी ही होती है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे, और यहां पर लग जाएगा परसेंट। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया होगा ना, तो हम बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, आराम से
नॉर्मल क्वेश्चन लगाते हैं पहले, इसके बाद तो फिर हम जब देखेंगे कि जब वो ये देखिए ये जब मान लीजिए कि ये परसेंट में नहीं दिया है ना, यहाँ पर हमको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमको नहीं दिया है, जब निकालना होगा परसेंट में तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब परसेंट का फार्मूला पहले से परसेंट गिवन हो कि इतना परसेंट लॉस हुआ या इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ पहले से ही गिवन होगा, तब हम उस स्थिति में क्या करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर इसके बाद उस क्वेश्चन पर हम आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिएगा कि जैसे देखिए इसको मैंने खरीदा कितने में, मैंने इसको खरीदा सीपी ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब मान लीजिए इस डॉल को हमने खरीदा कितने में, 50 में खरीदा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, हो गया 75 रुपीज। अब इसमें पूछा है कि बताइए प्रॉफिट कितना होगा, फिर बाद में पूछ लिया है कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालिए, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो अभी भी समझ गए होंगे कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो पहले बात निकालना पड़ेगा क्या होगा, एसपी और माइनस सीपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एसपी और माइनस सीपी, पहले हम निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंसेज, क्योंकि यहां पर एसपी ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट हो रहा है, नहीं तो लॉस हो जाता। इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू तो कितना प्रॉफिट हुआ और अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला हम फार्मूला फिर लगा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहले लिखेंगे सब कुछ, तो ये हो जाएगा हमारा कि कास्ट प्राइस कितना है, पहले लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू लिखेंगे 50 है, इसके बाद फिर लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे 75 है, फिर लिखेंगे प्रॉफिट कितना हुआ तो एसपी माइनस सीपी लिखेंगे, फिर एसपी कितना है हमारा तो 75 है, और सीपी हमारा कितना है, कितने में हमने खरीदा था तो खरीदा था हमने 50 पे, तो कितना फायदा हो गया हमारा, तो 25 रुपये हमें को क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया है ना, बेचने के बाद हमको एक्स्ट्रा मिल गया, तो फायदा हो गया हमारा। तो अब देखिए हमारा ये पोर्शन सॉल्व हो गया, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट आया है। अगर इसको हम कह दें कि प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए, क्या करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये वाला हमें फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट कितना होगा अपॉन सीपी और इंटू क्या करेंगे 100, है ना। तो अब लगा देंगे हम सीधे सीधे, तो हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ देख लीजिए यहां पर, ये हमारा 25 रुपीज प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 25 रुपीज हो जाएगा, खरीदा मैंने कितने में था, 50 में था, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, तो 25 × 50 हमारा हो जाएगा 50% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50% हमने क्या कर लिया, उस पर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए हमको दिया है, मान लीजिए कास्ट प्राइस आप हमने आर्टिकल दिया है कि 200, देखिए मैंने नॉर्मल सा मैंने नंबर लिखा है, बड़ा बड़ा नंबर हमने नहीं लिया है ताकि इसका कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए, ठीक है। बड़ा बड़ा नंबर होगा तो बड़ा बड़ा उसका कैलकुलेशन होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिया है 200 रुपीज, देखिए मतलब कि 200 में कोई भी चीज खरीदी गई है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने इसको खरीद लिया, ठीक है, तो ये हमारा खरीद लिया हमने कितने में, 200 में मैंने इसको खरीद लिया। और 200 में खरीदने के बाद मैंने क्या हुआ कि मान लीजिए कि इसका ये पहले ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, इस पे ऊपर जैसे डंबल जैसा लगा हुआ था, तो ये टूट गया, ठीक है। तो मैंने इसको टूटने की वजह से मैंने इसको क्या किया, बाद में बेच दिया, ठीक है, अभी मैंने बेचा नहीं, इसे हाथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इसको बेच दिया कितने में, 150 रुपीज में, मान लो 50 रुपये मैंने कम कर दिया उसका जो टूट गया पार्ट, तो अब 50 रुपये मेरे कम हो गया, देख रहे हो 150 रुपीज इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो अब इसमें मुझे लास्ट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो खरीदने या बेचने पर क्या हो सकती है, या तो लॉस हो सकती है या तो फिर प्रॉफिट हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ना हो, बराबर में ही बेचा जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो पहले लिखेंगे कि कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस कितनी हमारी 200 रुपीज है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारी हो गई कितना, 150 रुपीज, ठीक है, तो 150 रुपीज हमारी हो गई सेलिंग प्राइस। तो अब हमें देखिए इनमें क्या है कि कास्ट प्राइस क्या है, अधिक है, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो 200 में हमने खरीदा लेकिन कम में बेच दिया, तो कम में बेच देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि लॉस कितना है, तो यहां पर मैं लगा देता हूं लॉस इज इक्वल टू, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी और माइनस एसपी, ठीक है। वैसे भी हम समझ रहे हैं कि इसमें लॉस 50 रुपीज का होगा, तो सीपी कितना है 200 है और एसपी कितना है 150 है, तो कितने रुपए का घाटा हो गया, तो वही 50 रुपए का हमारा घाटा हो गया, ठीक है। तो यहां पर पूछा था लॉस होगा कि मतलब लॉस या प्रॉफिट परसेंट दोनों में से कोई एक होगा, उसको निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर अगर बड़ा रहेगा तो उसमें ये नहीं समझ में आएगा कि इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है थोड़ा, क्योंकि वो नंबर डिजिट बड़ी होगी, ठीक है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमने नंबर छोटा लिया हो ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, है ना। तो अब फिर से हम फार्मूला लिखेंगे, ये हमारा जैसे फार्मूला हो गया,
मैंने इसमें प्रॉफिट मतलब पहले लॉस हमने निकाल लिया, अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस जो परसेंट होता है तो कितना लॉस हुआ और अपान क्या हो जाएगा सीपी और इंटू 100 हो जाएगा। तो लॉस कितना है देख लीजिए, लॉस कितना हमारा है 50 रुपीज, और सीपी कितना है, सीपी मैंने खरीदा कितने में था, तो खरीदा मैंने था कितने में 200 में, तो यहाँ पर हो गया 200 रुपया। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी परसेंट रहेगा, तो 2 से यहाँ पे दोनों जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 25 आ गया, है ना। तो आंसर आ गया हमारा 25%। ये 25% क्या है, ये 25% हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा ठीक है, लेकिन जब परसेंटेज दिया हो तब हम क्या करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। ठीक है, देखिए हम समझते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 750 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, और इसके बाद आफ्टर सेलिंग बेचने के बाद, देखिए बेचने के बाद हुआ क्या था उसके साथ, शॉपकीपर जो है लॉस 25%, और शॉपकीपर को 25% क्या हो गया हमारा, उसका घाटा हो गया। ठीक है, तो उसका जब घाटा हो गया इसका मतलब है कि वो 750 रुपए से अधिक में कुछ खरीदा रहा होगा, है ना, क्योंकि उसको घाटा हो गया है। तो ये देखिए ये 750 रुपए में बेच दिया है, तो बेचने के बाद उसको घाटा हुआ है, तो -25% मतलब कि घाटा हुआ है, तो इसका मतलब अधिक में खरीदा रहा होगा, जितने में भी खरीदा रहा होगा 750 से ज्यादा रहा होगा, है ना। तो 750 से ज्यादा रहा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हम इसमें थोड़ा सा एक अलग सा फार्मूला लगाएंगे, किस लिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी परसेंट की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर परसेंट उस जो हमने प्रीवियस में क्वेश्चन किया था उसमें परसेंट की वैल्यू नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर हमारा परसेंट की वैल्यू दिया हुआ है, तो जब परसेंट की वैल्यू दिया हुआ तो हम देखिए एक ही फार्मूला बताएंगे, और एक ही फार्मूला जो है हर एक क्वेश्चन में लगेगा, बस उसको कैलकुलेट आप कर लोगे, है ना। देखिए वो क्या फार्मूला है, तो हमारा वो फार्मूला है एस पी, यानी एस पी इज इक्वल टू होता है 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, और अपान होता है हमारा 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है सीपी। ठीक है, वो किस लिए आता है मैं भी इसको बता दे रहा हूँ, कि जैसे देखिए कि ये हमारा बेचने का रुपया है ना। ठीक है, बेचने का ये रुपया है, तो कितने में ये बिकेगा, तो देखिए हमारा जैसे सेल कास्ट प्राइस होती है, कास्ट प्राइस में जैसे देखो ये 150%, मान लीजिए कि 50% अधिक पर हमने बेच दिया तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट के लिए हमेशा लगता है प्लस। ठीक है, प्लस लगेगा तो हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो जैसे कि हमने 100% पर खरीदा है, तो 100% पर खरीदा है तो 50 रुपए 50% अधिक पर खरीदा मतलब बेच दिया। ठीक है, तो उसी जो है कह देंगे कि हम 150% हो जाएगा, किसका, 150% ऑफ सीपी, तो 150% ऑफ सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 150% ऑफ सीपी, तो इसका मतलब है कि 150 बटे हो जाएगा 100 अपान हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम इस फार्म में लिखते हैं, है ना, कि ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस जो है प्रॉफिट, या फिर माइनस होगा तो लॉस हो जाएगा, लॉस मतलब कि लॉस के लिए हमारा माइनस लगेगा, और प्लस होगा तब जब यहाँ पर प्रॉफिट लगे, और मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने जैसे कि 100 रुपये में मैंने 100 मतलब कि 100% में कोई भी चीज खरीदी जाती है, या तो उसको 90% पर बेच देने पर क्या होता है, घाटा हो जाता है, और मान लीजिए 150% पर बेच दोगे तो इसका मतलब 50% फायदा हो गया। तो इसीलिए फार्मूला ऐसा बन जाता है कि 100 हो गया, 100 हो गया, और प्लस प्रॉफिट कितना अधिक हुआ, कितने परसेंट अधिक हुआ, तो हम उसको जोड़ लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि 150% ऑफ सीपी, तो ये 150% का मतलब क्यों 150%, तो क्यों 150% का मतलब 100 और प्लस 50, और ये परसेंट जब हटेगा तो अपान यहाँ पर 100 लगेगा इंटू सीपी। ठीक है, ये बात को हम समझ गए, अब थोड़ा सा इसमें लगाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये फार्मूला इसको चाहे तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए देखिए कैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जैसे देखिए हमारा एस पी इक्वल टू पहले हो सकता है 100, मान लीजिए हमने प्लस साइन ले लिया। ठीक है, प्लस साइन ले लेंगे तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपान हो जाएगा 100 इंटू सीपी, मान लीजिए कि पहला हो गया। ठीक है, पहला हो गया किसका मतलब है कि एस पी और सीपी में से कोई भी एक चीज गिवन हो, कोई भी एक चीज गिवन हो, और उसको और उसके साथ मुझे क्या गिवन हो, प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, लेकिन यहाँ पर लॉस परसेंट गिवन है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लग पाएगा, है ना। तो अगर हम इसका माइनस वाला चार्ज लेते हैं, माइनस वाली साइन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 100, और यहां पर माइनस हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट, जितना भी होगा उसको हम
रख देंगे और ये हो जाएगा 100 और इंटू कर लेंगे हमारा सीपी, ठीक है। तो ये हम कब करेंगे, जब हमारा लॉस होगा, जैसे हम इस स्थिति में इसको लगा सकते थे, है ना। तो इस स्थिति में अभी हम लगाएंगे, अभी इसी को लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा लॉस, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सीपी या एसपी में से कोई भी एक चीज गिवन होगा, तो दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन होगा तो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। देखो हम करते हैं कि क्या क्या गिवन है। देखिए हमारा सेलिंग प्राइस गिवन है, सेल प्राइस गिवन है, कितना है 750 रुपया हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी देखिए हमारा तो नहीं दिया हुआ है, तो सीपी को हम सीपी ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो सीपी को सीपी ही मान लेते हैं, सीपी को एक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मैथ में चाहे कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट नहीं गिवन है, यहाँ पर लॉस परसेंट गिवन है, तो लॉस परसेंट हमारा 25% है ना। तो ये हमारी तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन इंफॉर्मेशन पर ही बेस होता है, ये तो एसपी और एक सीपी, दो इंफॉर्मेशन में से कोई एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन दोनों इंफॉर्मेशन के बाद इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो फिर इसको फार्मूला को नहीं लगाओगे, है ना। या फिर कोई ऑप्शनल तरीके से लगा सकते तो अलग मेथड हो गया, ठीक है। तो ये भी एक तरीका, देखिए रख देता हूं मैं, तो यहां एसपी की जगह मैं कितना रख देता हूं, 750 रख देता हूं, ये कितना रख दिया हमने, 750 रुपया एसपी है हमारा, इज इक्वल टू रख दीजिए, ये हो जाएगा 100 हो गया हमारा। और यहां पर प्लस रखेंगे माइनस रखेंगे, तो यहां पर लॉस हुआ है तो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, कितना 25 रखेंगे, कि यहां पर 25% क्या हुआ था, लॉस हुआ था। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर ये 100 होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो परसेंट हटने के बाद लगता है, है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सीपी से, तो क्योंकि हमको सीपी नहीं पता है तो हमारे सीपी हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो 750 रुपया इज इक्वल टू, देखिएगा ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 अपान कितना हो जाएगा 100, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीपी, देखिए ये 100 यहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 75 नीचे आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई 750, और ये 100 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 75 से हो जाएगा नीचे, ये आ गई हमारी सीपी, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए 75 से कटेगा ये 10 बार, इसका मतलब है कि खरीदा गया था उसको कितने में, 1000 में खरीदा गया था, लेकिन किसी वजह से उसको कितने में बेच दिया गया, तो उसको बेच दिया गया कितने में, 25% कम पे बेच दिया गया, मतलब 75 मतलब कि 750 रुपये में ही बेच दिया गया, ठीक है। तो हम इस पर अब हम इस पर दोबारा दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा मार्क प्राइज वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये वाला हो गया, क्योंकि एसपी और सीपी में से समझिएगा कि एक वैल्यू दिया होगा तब ये लगाओगे, लेकिन तब जब यहां पर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट में से कोई एक दिया होगा तब लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमाए बस उसको समझना है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सिंपल मेथड्स में लिख दिया था, है ना। तो ये इसको हिंदी में भी कर सकते हो, जैसे कि सेलिंग प्राइस मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 750 में बेचा जा रहा है, ये मतलब कि 25% घाटा हो गया, ठीक है, हानि हो गया, ठीक है। तो अगला हम समझते हैं, जैसे देखिए कि मार्क प्राइस ऑफ ए शूज, देखिएगा यहां पर जैसे ये शूज है और इस पर लिखा हुआ कितना है 4000 रुपये, ठीक है, 4000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन वो जैसे कि वो जो है दुकानदार क्या करता है उसको बेच देता है कितने में, देखिए इस शूज को कितने में बेचा गया, इस शूज जो है बिक गया 3500 रुपये में, तो इसने दुकानदार ने क्या किया 3500 रुपये में बेच दिया। तो जब ये 3500 रुपये तो ये बेच दिया, तो ये क्या है जो ये जो कम किया है, ये जो कम किया है इसी को हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट है, है ना। तो दुकानदार क्या करता है, डिस्काउंट क्या है, लुभाने के लिए करता है, और ये डिस्काउंट कुछ होता नहीं है, है ना। तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ लुभाने के लिए 500 रुपया छोड़ देता है, ऐसा लगता है हमको कि वो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं, दुकानदार बहुत ही चलाक होते हैं सब, ना दुकानदार सब चलाक होते हैं, इस वजह से उतना छोड़ देते हैं, तो हमको भी फीलिंग होती है थोड़ा कि ये बहुत सस्ते में दे दिया, इतना रुपया हमने बचा लिया, नहीं कि बचता उसका कुछ नहीं है, उस 3500 रुपये में दिया था, इसका मतलब है कि 2500 रुपये में ज्यादा या 3000 में खरीदा होगा, मतलब जब भी खरीदा होगा वो 3500 रुपये से कम ही खरीदा होगा, तभी वो 3500 रुपये में बेचा है, लेकिन उस सूच पर जो लिखा है, वो लिखा है उस पर लिखा हुआ है कि केवल 4000 रुपये उस पर लिखा है ना, वो दुकानदार ने उसको खुद लिखा है या फिर वो कंपनी से लिख करके आया होगा, है ना। तो अब देखिएगा तो ये मार्क प्राइस जो सूच की कितनी है, अब देखिए यहाँ पर है 4000 रुपया, तो ये 3500 रुपये में बेचा गया है, तो ये क्या है, एक डिस्काउंट करके बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई, और इसके बाद डिस्काउंट परसेंट
भी पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट भी, ठीक है तो इसको भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए पहले लिखता हूं, अब लिखूंगा क्या कि इसमें जो ये है मार्क प्राइस, ठीक है ये मार्क प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको एमपी बोलते हैं। यानी एमपी क्या है, एमपी हमारी हो गई कितनी, 4000 रुपया हमारी हो गई, एमपी हमारी हो गई, ठीक है तो ये 4000 रुपया हमारी एमपी हो गई। और देखिए उसको बेचा कितने गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 3500 रुपया हो गई हमारी सेलिंग प्राइस, समझ गए। तो ये हमारा 3500 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। अब इन दोनों की जो गैपिंग है वो क्या कहलाएगी, डिस्काउंट कहलाती है, क्या कहलाएगी, डिस्काउंट कहलाएगी। अब देखिए अब डिस्काउंट, अब बताइए सेलिंग प्राइस में से एमपी को माइनस करें कि एमपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस करें। देखिए अब ये कभी नहीं होता है कि मार्क प्राइस जो है 4000 रुपया हो लेकिन सेलिंग प्राइस जो है 3500 रुपया हम लेंगे ही नहीं ना, कह देंगे कि भाई इस पे जब मार्क प्राइस ही 4000 रुपया है तो आप इसको कैसे 5000 में दे रहे हैं या फिर 4500 दे रहे हैं, हम नहीं लेंगे, तो उसको हम नहीं लेते हैं ना वहां पर। तो हम कभी भी जो है 4000 की चीज जो है 5000 में कैसे खरीदेंगे ना, तो नहीं खरीदते हैं। तो कभी भी 4000 मार्क प्राइस से ज्यादा में कोई भी चीजें नहीं बिकती है, मान लीजिए नहीं बिकती है, नहीं बिकती है ना, तो अब अधिक में नहीं बिकेगी, जब भी बिकेगी कम में ही बिकेगी। तो हमेशा मार्क प्राइस में से माइनस सेल प्राइस करते हैं, सेल प्राइस में से मार्क प्राइस कभी नहीं कर सकते हैं। देखिएगा तब हमारा डिस्काउंट जो हो जाता है हमारा कितना हो जाता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मैं इसको लिख देता हूं इसका फार्मूला, तो ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, यानी मार्क प्राइस में से हमने क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया है ना, तो सेलिंग प्राइस को भी माइनस हम कर दे रहे हैं। देखिए कितना होगा डिस्काउंट, अब डिस्काउंट जो पूछ रहा है तो हमारा डिस्काउंट जो हो जाएगा, तो डिस्काउंट एमपी कितना है, एमपी हमारा कितना है 4000 रुपया है, तो ये कितना है, ये 4000 रुपीज हमारी मतलब इसकी एमपी है, लेकिन बेची कितनी गई, बेची तो गई 3500 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3500 रुपीज। तो कितना रुपया देखिए उसने छोड़ दिया, ये उन्होंने 500 रुपया छोड़ दिया, ठीक है चाहे जैसे छोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए ये तो हमारा डिस्काउंट होगा कितना, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्लास 3 और 4 वाले लगा लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा पूछ लिया कि ये डिस्काउंट परसेंट होता है, तो ये थोड़ा परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी हम सीधी सीधी बात जानते हैं, जैसे उसमें हमने क्या किया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कहा, प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट कितना हुआ और अपान सीपी और इंटू 100 किया था, ठीक है यही बात हम यहाँ पर करेंगे कि डिस्काउंट जब हम परसेंट निकालेंगे, डी परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट, तो मुझे लिखना पड़ेगा कितना डिस्काउंट हुआ, ठीक है, और अपान कितना होगा मार्क प्राइस, है ना, तो मार्क प्राइस से ही कम करता है, ऐसा नहीं कि सेलिंग प्राइस से कम कर रहा है, वो मार्क प्राइस से ही हम देखते हैं अच्छा इतना छोड़ दिया, ठीक है, तो ओरिजिनल क्या हुआ हमारा एमपी हो गया, हमारा सीपीएसपी जो है यहाँ पर ओरिजिनल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बाद की बात होती है ना, तो पहले तो एमपी ही आया है, तो पहले जो एमपी आता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो क्या है डिस्काउंट अपान मार्क प्राइस, और इनको हमें करना पड़ेगा 100, ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब परसेंटेज लगा देते हैं, तो कितना डिस्काउंट हुआ हमारा, तो जो डिस्काउंट हमारा हुआ है वो 500 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। कितने की वस्तु थी, कितने की थी, जो सूज था तो सूज कितने का था, वो हमारा 4000 का था, उस पर लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों जीरो मान लिया, ये दोनों जीरो से कैंसिल हो गया और एक जीरो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया अभी 2 से काट दीजिए 2 4 और 2 ये हो जाएगा 25, यानी कि आ जाएगा 25/2%, यानी कि मैं कह सकता हूँ 12 mix 1/2 मतलब कि 12 whole/2%, ये हमारा आ जाएगा क्या डिस्काउंट परसेंट, इन्होंने के 12.5% उन्होंने क्या किया छूट कर दिया है ना। तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसी से लगे हम थोड़ा सा सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन पर ही हम क्या करते हैं लगा लेते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्वेश्चन क्या है, मार्क प्राइस ये सूज 4000, ठीक है मान लीजिए सूज वही था, तो उसका जो मार्क प्राइस था कितना था 4000 रुपया, ठीक है 4000 रुपया हो गए। एंड शॉपकीपर गिवन 10% डिस्काउंट, शॉपकीपर क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है, एंड फर्दर डिस्काउंट आप 20%, लेकिन क्या करता है बाद में 20% का डिस्काउंट फिर से एक बार देता है ना, तो और सस्ती हो जाएगी है ना, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सूज। लेकिन एक गलती मत करिएगा कि ये 20 और ये जो 10, ठीक है सक्सेसिव डिस्काउंट में नहीं कि टोटल 30% दिया है, बस 30% लगा दिया तो आंसर आ जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है तो ऐसा मत करिएगा है ना। तो अब देखिएगा जी इसके लिए जो फार्मूला होता है सक्सेसिव के लिए, तो सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट जब लगाते हैं हम,
ठीक है, तो उस पे लगाते हैं कि एसपी इज इक्वल टू, यहां क्योंकि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने उसमें ही बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन क्या होता है 100 और इनटू एमपी होता है, यही होता था। लेकिन अब यहां क्या होगा, तो डिस्काउंट कितना है, एक नहीं है बल्कि दो दो डिस्काउंट है, तो 100 माइनस देखिए डिस्काउंट 1 पहला परसेंट यहां पर रखेंगे, इसके बाद मान लीजिए ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अब दूसरा करेंगे दूसरा हो जाएगा उसमें भी 100 और माइनस डिस्काउंट 2%, मान लीजिए दूसरा डिस्काउंट का परसेंट अपॉन 100, इसके बाद यहां पर लास्ट में हम क्या करते हैं एमपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो हमारा जो आ जाएगा तो एसपी इज इक्वल टू, देखिएगा कि ये सूज कितने में बिकेगा, अब सूज जो बिकने वाला है तो पहली बार देखिए 10% डिस्काउंट पर, अब दूसरी बार कितना है 20% डिस्काउंट, तो दो बार जो है डिस्काउंट दे रहा है। P इज इक्वल टू, अब देखिए पहले डिस्काउंट को क्या हो जाएगा 100 और माइनस क्या होगा डिस्काउंट 1% में, मतलब कि हो जाएगा 100 माइनस कितना है पहला, तो पहला हमारा है 10, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है, तो पहला डिस्काउंट हमारा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा एसपी। इसका मतलब ये देखिए एसपी लिखा हुआ, अगर यहाँ पर चमक रहा हो तो थोड़ा लिख लीजिएगा, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और 100 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 10 पहले और अपान 100 हो जाएगा, ठीक है फार्मूला देख लीजिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 2, देखिए डिस्काउंट 2 क्या है, डिस्काउंट 2 हमारा 20%, यहाँ पर 20 कर लेंगे अपान 100, और यहाँ पर एमपी तो देख ही रहे हो, एमपी कितना रुपये लिखा हुआ है, तो 4000 रुपये लिखा हुआ, कितना तो 4000 रुपये। थोड़ा एक बार एक प्रोसेस को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है कितना हो जाएगा 90 अपॉन 100, और दूसरा जो प्रोसेस हो जाएगा हमारा हमारा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम कितने से, ये 4000 से, ठीक है सारा जीरो काट दीजिए नीचे से, यहाँ दो जीरो कैंसिल, यहाँ दो जीरो कैंसिल, और ये 4 जीरो हो गया, कुल मिला के 3 इसके साथ चला गया और 1 इसके साथ चला गया, ठीक है तो बचा हमारा 9872, ये 720 हो गया, और इधर 4 बचा हुआ है और, ठीक है तो इसे 400 और 4 × 8 हो गया, और 4 × 7 = 28, ठीक है यहाँ पर कैरी नहीं है, तो कुल मिलाकर के 4000 की चीज कितने में बेची गई, इसको फाइनली 2880 में बेचा गया, ठीक है इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी देखिए यहाँ पर D3 दिया होता तो जैसे हमने इसको सीरीज में जोड़ा हुआ है वैसे भी उसको भी हम सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा, ये हो गया हमारा डिस्काउंट पर, ठीक है। अब थोड़ा सा एक जो है हम क्वेश्चन नॉर्मल लगा लेते हैं कि जो है कोई भी वस्तु जो है मतलब कि एमपी, मतलब कि एमपी सीपी और हमारा एसपी तीनों का यूज करके हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा शॉपकीपर सेल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है शॉपकीपर जो है वो क्या क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल करता है 10% किस पर, यहाँ पर अगर अधूरा होगा तो मैं कंप्लीट कर दे, ये शॉपकीपर सेल एन ऑब्जेक्ट एट 10% डिस्काउंट, ठीक है यहाँ पर 10% डिस्काउंट जोड़ दीजिएगा, 10% डिस्काउंट एंड गेट 20% प्रॉफिट ऑन इट, लिखिए कि 10% देखो डिस्काउंट भी देता है, देखिए दुकानदार तो यही करते हैं, दुकानदार का यही काम होता है कि वो डिस्काउंट भी देते हैं लेकिन फिर भी उनको क्या होता है प्रॉफिट होता है ना। तो ये शॉपकीपर सेल एंड ऑब्जेक्ट 10% डिस्काउंट देता है लेकिन एंड गेट 20% प्रॉफिट ऑन इट, लेकिन फिर भी वो कितना प्रॉफिट ले रहा है 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो बताइए कि वो कितने में खरीदा होगा, और मार्क प्राइस द ऑब्जेक्ट इज कितना दिया है 3200 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक बात याद रखिएगा कि देखिए यहां पर होता है हमारा सीपी, यहां पर होगा सीपी, और यहां पर होता है एसपी, और एक होता है एमपी हमारा, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऊपर से नीचे लगता है या फिर नीचे से ऊपर लगता है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर कास्ट प्राइस हमको पता होगा तो पहले इन दोनों के बीच का जो हमारा ये फार्मूला होता है वो क्या होगा, वो हमारा होता है यानी एसपी इज इक्वल टू 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट और अपान 100 और इनटू होता है सीपी, है ना ये, हाँ सीपी, ठीक है। तो हमारा ये जो कास्ट प्राइस अगर दिया होगा तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, पहले इसका देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पे दिया होता तो हम ये लगाते हैं फार्मूला, तो अगर कास्ट प्राइस दिया होगा तो सबसे पहले हम सेल प्राइस निकालेंगे, ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम कास्ट प्राइस से पहले सेल प्राइस निकालेंगे, जब सेल प्राइस हमारा निकल जाएगा इस फार्मूले से
फिर इसके बाद हम सेल प्राइस से फिर इसके बाद मार्क प्राइस की तरफ आएंगे, तो फिर से मार्क प्राइस का जो फार्मूला लगेगा कि वहां से फिर से लगेगा कि एसपी इज इक्वल टू 100 और यहां पर माइनस लगेगा माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू फिर से लगेगा एमपी, है ना। तो हमारा दो पार्ट में क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, या तो अगर हमारा सीपी दिया होगा तो पहले हमें एसपी निकालना है, कुल मिलाकर के हमें सबसे पहले एसपी निकालना है, चाहे वो मार्क प्राइस हमको दिया हो या फिर हमको सेल प्राइस दिया हो, ठीक है। तो हमारा कास्ट प्राइस जो है हमको नहीं पता है, हमें कास्ट प्राइस की तरफ से हम इधर की तरफ नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमें मार्क प्राइस दिया हुआ, मार्क प्राइस से पहले इस फार्मूला का यूज करके ये हमारा पुल है, ये किसका पुल है, ये हमारा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का पुल है, समझ लीजिए। तो मार्क प्राइस हमारा 3200 है, तो हम इससे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब जब ये देख लेंगे कि देखिए वो खरीद मतलब ये मार्क प्राइस उसका इतना लिखा था तो वो बेचा कितने में, तो जब हमको पता चल जाएगा कि बेच दिया भाई इतने में, मान लीजिए जैसे सपोज मान लीजिए 2500 में बेच दिया कम करके, तो फिर इसके बाद देखेंगे 2500 रुपये में जब बेच दिया तो 10% उसको मान लीजिए 20% फायदा हो रहा है तो कितने में खरीदा होगा, है ना। तो इस बात को समझ लेते हैं, है ना। तो इधर हम मार्क प्राइस हमारा दिया गिवन है कितना है, तो गिवन हमको कितना है देखिएगा यहाँ से खूब अच्छे से समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत लगता है ना। तो गिवन कितना है कि मार्क प्राइस हमारा गिवन है, मार्क प्राइस देखिए कितना गिवन है, 3200 गिवन है, है ना। तो अब देखिए कि हमारा यहां मार्क प्राइस के बीच में जो संबंध होता है प्रॉफिट या लॉस का नहीं होता है बल्कि डिस्काउंट का होता है, यानी जो डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना दिया है, यहां पर हमको 10% डिस्काउंट दे रखा है ना, हमें जो दिया है। तो अब देखिएगा कि अब हम इसमें हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकलेगा देखिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान होता है 100 इंटू क्या होता है हमारा एमपी होता है, है ना। तो हमारा देखेंगे एसपी इक्वल टू हो जाएगा 100 और माइनस होगा कितना 10% डिस्काउंट दे रहा है, अच्छी बात है। तो 10 हो गया और अपान देखिए 100 और मल्टीप्लाई करेंगे ये 3200 हमारा है, क्या थी ये हमारा हो गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है। ये दोनों जीरो देखिए दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 90 × 32, है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 = 18 हो जाएगा, ठीक है, और 9 × 3 = 27 और 1 = 28, ठीक है, ये हो जाएगा, ये तो जीरो ही बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये 3200 रुपया जब उस पर लिखा हुआ था स्लिप में, तो उसने जो बेच दिया अभी तक जो बेचा हुआ है 2880 में बेच दिया। आप समझते हैं यहाँ से, अब समझना क्या है, अब देखते हैं कि ये 20% प्रॉफिट भी ले रहा है। तो अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी कि अभी हमारा यहाँ पर 32 था, ये 3200 हमारा था, लेकिन बिक गया कितने में, देखिए बिक गया हमारा 2880 इतने में बिक गया। फिर ये से हम फार्मूला इसका यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट हमारा सीपी निकल जाएगा, और वही हमारे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए खरीदा था कितने में, समझ गए हम। तो ठीक है, तो फिर से इधर लगा देते हैं हम यहाँ पर नीचे, उम्मीद है ये दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये देख लेते हैं, ये पार्ट हमारा निकल गया, तो फिर से लिख देते हैं यहां पर, फिर से देखिए अगेन करते हैं, अगेन में देखिए हमारा एसपी अब हमको पता हो गया कि 2820 है, लेकिन हमको यहाँ पर प्रॉफिट भी हमको पता है, प्रॉफिट कितना है 20% है। अब हम जानते हैं कि सीपी और एसपी में से कोई एक दिया हो और इसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कोई एक दिया हो तो यही हमेशा फार्मूला लगता है, तो यही पर हम लगा लेते हैं। तो लिखेंगे एसपी, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, एसपी की वैल्यू कितनी है, यहाँ एसपी की वैल्यू देखिए अब हमको पता है कि यह 2880 रुपीज है, समझ गए आप। और इसके बाद देखिए 100 हो गया तो यहाँ पर होगा 100 और माइनस, देखिए डिस्काउंट परसेंट नहीं यहाँ पर, डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं यहाँ पर वाले प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ करेंगे 20 और अपान हो जाएगा 100 और इंटू हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कुल मिला करके सीपी निकालना है, तो सीपी हमारा अधूरा रह जाएगा अभी, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2880 और इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 120 और अपान हो जाएगा 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सीपी लिख देंगे हम, ठीक है। चलेगा, अब इसका पोर्शन हम इधर लगा देते हैं, देखिए क्या होगा, अब यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 100 चला जाएगा ऊपर और 12 चलाएगा नीचे, यानी 2880 और मल्टीप्लाई 10 देखिए कि नीचे है ना तो ऊपर चलाएगा, और ये 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, हमारा हो गया सीपी, है ना। तो अब इसको काट दीजिए, देखिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, अभी 3 से काट दीजिएगा, 3 × 4 = 12, अभी इसको काटिएगा 3 से, क्योंकि 8 × 8 = 16 और 2 होता है 18, मतलब 3 से कटेगा, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 27 होता है और 3 × 3 = 18 होता है, ये 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 2 से काट दीजिएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 और इसको भी 2 से काट दीजिएगा, अगर 2 × 2 = 8 और ये 2 × 8 = 16 और एक हमारा ये 0 बचा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधे सीधे,
ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा 500 और पार्टी 40 होता है, 40 हो गया हमारा, 4 कैरी आएगा और 4 × 5 = 20 और 20 × 4 = 24, ठीक है। तो ये दुकानदार कितने में खरीदा था, तो उसको जो है वो खरीदा था हमारा 2400 में, ठीक है। तो 2400 में देखिए कैलकुलेशन हो सकता है कि मे भी गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये 2400 रुपया में खरीदा था और बेचा था 2800 रुपया में, और उस दुकानदार ने लिखा था उसको 3200 रुपया में, देखिए ये उसकी चलाकी होती है, ठीक है। तो खरीदा था 24 में, लिख दिया 2800 लेकिन बेचा उसके बीच में 2880 में। तो ये सेल प्राइस हमेशा बीच में होती है, और कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो या तो क्वेश्चन इधर से इधर लगता है, या तो क्वेश्चन इधर से इधर लगता है, दोनों में से कोई एक लगेगा। कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, ठीक है। सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल का कितना है, 1200 है। और एंड अब जीएसटी, अब जीएसटी ऑन इट क्या है, 18% है, और उस पर जीएसटी कितना है, 18%। फाइंड द प्राइस ऑन विच एनी कस्टमर हैज टू पे, किसी भी कस्टमर को कितना रुपीज पेड करना पड़ेगा जीएसटी को लेकर के, फिर उस आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिएगा जीएसटी का पहले जो फुल फॉर्म समझ लेते हैं, कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, जीएसटी जो होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। तो ये गुड्स सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट लेती है, ये कस्टमर को पेड करना पड़ता है दुकानदार को, और दुकानदार इसको पेड करता है फाइनली गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हम समझते हैं, देखिए 1800 18% है। तो इसका जो ये देखिए सेलिंग प्राइस इसका क्या है, जो सेलिंग प्राइस इसका होना चाहिए ये कितना है, 1200 है। दुकानदार को चाहिए कि उसको 1200 में दे देना चाहिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट का बाउंडेशन है, अब गवर्नमेंट का बाउंडेशन है तो उसे जीएसटी भी लगाना पड़ता है क्या, जीएसटी भी कितना देना है, 18% किस पर, 18% ऑफ जो है 1200 पर, 18% क्या करेगा, जीएसटी भी लगाएगा, है ना। तो जीएसटी कितना है, 18% किसका, 18% 1200 का 18% वो क्या करेगा, पहले निकालेगा, देखिएगा कैसे निकालेगा। तो ये हो जाएगा जीएसटी, केवल अभी जीएसटी निकाल करके हम क्या करेंगे, उसको हम 1200 में ऐड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा जीएसटी इक्वल टू हो जाएगा 18, देखिए यहां पर परसेंटेज हटेगा तो 100 लग जाएगा, और आप मतलब देखिए होता है मल्टीप्लाई, है ना। और इसके बाद हो जाएगा हमारा 1200, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारा जो जीएसटी आएगा कि जीएसटी उसको कितना पेड करना पड़ेगा, तो जीएसटी उसको पेड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 216 रुपया, है ना। तो इसको 216 रुपया उसको जीएसटी देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा कस्टमर को, कस्टमर पेड करेगा किसको, दुकानदार को, ठीक है। तो ये 216 रुपया होगा जीएसटी रुपये। तो अब देखिए कस्टमर टोटल कितना पेड करेगा, अब कस्टमर जो टोटल पेड करेगा तो टोटल पेड मनी कितने हो जाएंगे, तो टोटल अगर हम पेड मनी निकालेंगे तो टोटल पेड मनी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा पहले सेलिंग प्राइस, उसमें कितना होना चाहिए था, इसके बाद मुझे जीएसटी को क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है, 1200 रुपया, और प्लस जो है 216 रुपया और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1416, मतलब 1416 रुपये जिसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतने में क्या करना होगा, दुकानदार को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, दुकानदार को इसमें इतने में हमें बेचना पड़ेगा और कस्टमर इतने में खरीदना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे समझ में आया होगा पूरा, हमने टोटल जितना भी फार्मूला हो सकता था तो मैंने जो सिंपल क्वेश्चन था मैंने इसमें करवा दिया, और अगले वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे जो है बिजली गिरती है और बादलों के बीच में किस प्रकार का फ्रिक्शन और किस प्रकार की चार्जिंग निकलते हैं और कैसे वो धरती पर आती है और कैसे हम उसको बचाव करते हैं, ठीक है। तो साइंस का वीडियो रहेगा अगला वाला, तब तक के लिए जय हिंद।